आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को लेकर आए हैं, जो आपका इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि बताया जाएगा, जो वर्ग दशम के लिए काफी आसान तरीकों में बताया जाएगा। जिस विद्यार्थियों के ये विधि नहीं आता हो, वह निश्चित तौर पर, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि ये आपको निश्चित तौर पर इस वीडियो में समझ में आएगा। अगर इस वीडियो में नहीं समझ में आया तो नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको जानते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक पद में व्यक्त करना। जैसे पद इसमें है, दो पद है, जैसे एक्स है, वाई है और अचर राशि है। तो किसी एक पद में व्यक्त करने का मतलब क्या है, जैसे x के पदों में व्यक्त करना, जैसे x को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी को हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे, उसी प्रकार y साइड y को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे तो बाकी को हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो पर बने रहिए आप लोग, और चलिए आज हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, स्थापित कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर यहाँ पर 14, ये जो प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वाई माइनस हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, चलिए छोटा कर देते हैं वाई। ये आपका क्या हुआ, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 2। दोनों समीकरण में किसी को भी हम लोग प्रतिस्थापित कर सकते हैं, या समीकरण 2 को करे या 1 को करे, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जब भी समीकरण 1 को हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं तो समीकरण 2 में हम लोग क्या करते हैं, वो जो पद जिस रूपों में व्यक्त किया है उसको हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में एक्स का मान प्रति स्थापित करने पर, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 2 को सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 को हमने लिख लिया और क्या करेंगे, एक्स के पद इसमें हम लोग रखेंगे। तो एक्स के पद मेरा क्या हो गया, 14 माइनस वाई। तो एक्स के जगह पर हम लोग लिखेंगे 14 माइनस वाई लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस वाई को वाई कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वाई को जो अपने जाति में जोड़ना है या घटाना है, जो आपको सिचुएशन के अनुसार करना है, ठीक है ना। तो माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर जो चिन्ह जो है, या इम्प्लीज का चिन्ह देना आप लोग नहीं भूलिएगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2y बराबर यहाँ 14 में से क्या घटे, 4। तो माइनस 14 में से 4 घटेगा तो माइनस आपका 10 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 10/2। और यहाँ पर 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये गुना में रहेगा तो भाग होगा और जब जोड़ में रहेगा तो क्या होगा, घटा होगा। तो वाई का मान हमको 5 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। समीकरण 1 कहाँ है मेरा, समीकरण 1 है x माइनस x बराबर 14 माइनस y है, ठीक है। तो x बराबर मेरा क्या हो गया, 14 माइनस यहाँ पर y का मान कितना है, 5 है, तो 14 में से 5 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9, x बराबर कितना, 9, और y बराबर कितना लिखेंगे, 5। अगर इस तरह के हम बनाते हैं, अगर यहाँ पर हमें थोड़ा सा मिस्टेक भी होता है तो सबसे पहले एग्जामिनर आपको आंसर को मिलाते हैं, और यहाँ पर सही होगा तो ये आपको नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मिस्टेक हुआ तभी जाकर इसको देखेंगे और तब आपको नंबर बैठाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी उसी तरह के हम लोग को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पर एस बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, समीकरण 1 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार इसको समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, ओके। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर हमको लिखना रहता है समीकरण 2 में, एस का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित यहाँ पर लिखते मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो ये समीकरण 2 को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं, और क्या करेंगे, समीकरण 2 को उतारने के बाद हम लोग को क्या करना है, मालूम है ना, एस जहां है उस जगहों पर हमको रखना है 3 प्लस टी रखना है। एस जहां है
जहां हमको रखना है 3 + 3, तो एस यहां पर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 + 3 हो जाएगा। अब बाटा में जो है सो लिखा जाएगा और यहां पर जैसे के तैसे सबका सब उतर जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये बाटापड़ का जोड़ है, क्या दिख रहा है, बाटापड़ का जोड़ दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाता है, 2 + 6 3 × 6 3 × 6 2 मरतबे है ना, तो हम 2 से क्या करेंगे, इस दोनों में गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। उसी प्रकार 2 + 6 3 मरतबे आया, तो उसी 3 को हम लोग को टी में गुना करेंगे, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 3t। अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पर 2t हो जाएगा, अब + 3t अब बराबर कितना हो जाएगा 6, अब बाटा आपका हो जाता है 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 3 + 2 तो 3 और 2 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 6 + 5t हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग गुना कर लेंगे, तो 6 कितना होगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीज का चिन्ह दे देते हैं और यहाँ पर देखिए 5t बराबर हो जाता है 36 माइनस, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 6 और 5t बराबर हो जाता है यहाँ पर 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t बराबर हो जाएगा आपका 30/5 हो जाएगा, तो 5 + 6 30, तो t का मान आपका आया 6 आया। तो चलिए एक मान निकल गया मेरा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी मान आया है वो उसको हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करना है, टी का मान रखना है, तो एस बराबर क्या हो जाता है 3 + t हो जाएगा, तो एस बराबर हमको हो जाएगा 3 + t का मान कितना होगा 6 होगा, तो एस बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब या नाउ, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, एस बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 और टी बराबर आपका हो जाता है कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो को बने रहे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आएंगे, उसके बाद 4 लेकर आएंगे, ठीक है। थोड़ी देर वेट कीजिए आप लोग, भागिए नहीं, आप लोग को आज सिखा कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 3 आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। ये यहाँ पर लिखने का मेरा कुछ अलग रीजन है, कारण है, तो आप लोग इसको समझिए कैसे हम लोग इसको डील करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जो आंसर में जो दिया हुआ है इसमें y के पदों में बताया गया है, ठीक ना। इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये हम जान रहे हैं, लेकिन आप लोग को मालूम नहीं है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे डील करते हैं। यहाँ पर देखिए -y बराबर हम सबसे पहले लिख देते हैं 3 है तो 3 हो गया, और यहाँ पर जो प्लस है तो इधर आके आपको क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -y बराबर, यहाँ जब हम लोग माइनस को मिले तो माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, या यहाँ पर क्या हो जाता है -3 हो जाता है। यही माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और y बराबर आपका हो जाएगा 3x - 3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसलिए उतना जगह हम लोग छोड़े हैं, ठीक ना। अब इसमें हम लोग को देखा जाए ये 3 इसमें से कॉमन हो सकता है, नहीं होगा, तो यहाँ पर हम जब 3 निकालते हैं तो यहाँ पर 3x हो जाता है और यहाँ से मेरा 3 जो है निकलेगा, तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, कितना होगा 9 होगा, तो 3 × 9 इसको हम लोग काट सकते हैं। अब समीकरण बना 3x - y बराबर 3, समीकरण 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में इसका मान y का मान प्रतिस्थापित करने पर तब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे और बराबर 3 कर देंगे। इसके बाद में क्या है 3x, और y का मान रखना है, y आपका कितना है 3x - 3 बराबर कितना हुआ आपका, बराबर हुआ आपका 3। तो यहाँ पर देखा जाए जब ये माइनस है तो जब भी मान पुट कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हुआ, तो ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया, तो 1 = 1 कर सकते हैं या 0 = 0 भी लिख सकते हैं, ये 0 = 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अनेक हल होगा, क्या लिखेंगे अनेक हल होगा, ठीक है। अब चलिए ये 2 दशमलव वाले जो है काफी परेशान करते हैं विद्यार्थियों को, तो आइए इसको हम भी बनाते हैं आसान तरीकों में। सबसे पहले देखते हैं से दशमलव के बाद आपको कितने अंक है, तो दशमलव के बाद मात्र एक ही अंक है, तो मात्र एक अंक होगा तो हम 10 से गुना करते तो मेरा दशमलव खत्म हो जाता है, 2 अंक रहता तो 100 से गुना करता फिर भी मेरा दशमलव क्या हो जाता है खत्म हो जाता है।
तो चलिए हम लोग समीकरण वन में 10 से गुना कर लेते हैं, समीकरण टू में भी 10 से गुना करते हैं। जब 10 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, मेरा दशमलव खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 10 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो प्रतिस्थापित हम लोग कैसे करेंगे, प्रतिस्थापित कैसे करेंगे हम लोग जानते हैं, 2x बराबर ये 13 के 13 आपका रहेगा, ये माइनस जो है या प्लस जो है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब गुना में है तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये समीकरण आपका अब हो गया, इसको हम लोग 3 कह सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 तो हम पहले ही मान लिए हैं, तो अब क्या होगा 3 होगा। ठीक ना, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 4x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 23, समीकरण हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक ना, अब यही जो है 3 और 4 को तुलना करके हम लोग को चलना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक ना, समीकरण 4 में लिखना होगा, तो समीकरण 4 मेरा क्या है, 4x प्लस 5y बराबर मेरा 23 है। अब जहां आपको x दिखता है वहां हमको लिखना है 13 माइनस 3y बटा 2 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समीकरण तो उतार लिए, तो यहाँ 4 का 4 हो जाएगा आपका, x के जगह पर हमको लिखना है 13 माइनस 3y बटा हो जाएगा 2, और उसके बाद ये दोनों जैसे के तैसे हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5y अब बराबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, 13 तिया हो जाएगा 39 और 3 दूना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 5y में से 6y में से 5y घटेगा तो आपका माइनस 1y हो जाएगा, और यहाँ पर 23, जब ये प्लस है तो इधर आके आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर, ये माइनस वाई बराबर मतलब 39 में से हम लोग 23 घटाएंगे, तो यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 6 होगा, और ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 गया 1। हमको कहीं मिस्टेक तो लग रहा है, 13 दुना यहाँ पर 26 होगा, क्या होगा 26 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ 26 और यहाँ पर माइनस वाई हो गया, तो वाई का मान मेरा कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो आप लोग को चिन्ह नहीं छोड़ना है, इम्प्लीज का या और का चिन्ह आपको देना है, नहीं तो आपका हिसाब गलत तो नहीं होगा, पर आपका नंबर जो है काट लिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर नंबर आपको काट लिया जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 4 में नहीं 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है मेरा, x बराबर 13 माइनस 3y बटा हो जाएगा 2, तो 13 माइनस 3 गुने y का मान 3 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख पाएगा, तो चलिए इधर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर x बराबर 13 और यहाँ पर 3 9 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो x बराबर 13 में से 9 गया तो 9 4 13 4 होगा, यहाँ पर x का मान आपका कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, फिर क्वेश्चन नंबर आपका भी बाकी है, 3 और 4 हो गया, 5 और 6 बाकी है, इसके बाद आपको फिर अगले वीडियो में आगे आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, मात्र 5 सेकेंड आप लोग विलम्ब कीजिए, वीडियो पर बने रहे, छोड़कर जाए नहीं, क्योंकि आज हमको सीख कर ही जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और 6 देखते हैं। ठीक है ना, हम लोग 4 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ चुके हैं, और फिर हम लोग 5 नंबर जो है लेकर आए, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है 2x है, क्या है 2x है, यहाँ पर 2 छूटा हुआ था। ठीक है, अब इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग को प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले x और क्या है y के पदों में व्यक्त करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2x बराबर, यहाँ पर जो प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस होगा, और x बराबर ये जो प्लस है गुना में है जो क्या हो जाएगा आपको भागा में होगा, तो यहाँ पर आपको रूट 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ही लेते हैं। ठीक है, अब इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। यहाँ पर देखिए अब क्या लिखाता है, समीकरण 1 में नहीं 2 में इसका मान रखने पर x का मान प्रतिस्थापित करना है हमको, क्या करना है प्रतिस्थापित, क्योंकि किसी का मान जब तक नहीं निकला तब तक हम रखने पर नहीं लिख सकते, बस उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग को जैसे के तैसे इसको उतार लेना है। क्या करना है? जैसे के तैसे उतार लेना है। अब इसमें क्या करना है, जहां x होगा, x का मान हमको कितना रखना है, 3√3/2 इंटू वाई लिखना है ना। तो x का मान हम लोग लिखेंगे 3/2 इंटू वाई, इसको कोष्टक में कर देते हैं और इसको हम लोग जैसे के तैसे क्या करते हैं, उतार देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 का वर्गमूल 3y, और इसको इसमें हम लोग गुना कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब भी भिन्न आ जाए और उसके बाद कोई भिन्न नहीं हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, से जिसका भिन्न रहता है उसको छोड़कर बाकी जितना अंक होगा उसमें सबसे हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो यार दुना 16 का आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर देखिए माइनस था, यहाँ पर -4y, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में था शायद, हाँ माइनस में है, तो -7y हो गया बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या से हम लोग को 0 में भाग देने पर क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, तो y का मान x प्लस यहाँ पर कितना हो गया, √3y/2 कितना हो गया, √2। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर जब भी हम लोग क्या करेंगे, मालूम है क्या करना है, y का मान 0 रखना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले भिन्न को जो है हम लोग एक रैखिक समीकरण में बदल देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 2 का लंबउत्तम 6 होगा, 2 3i 6 3 मर्त में ना, तो यहाँ पर 3 3i 9 हो जाएगा, 3 2 6 तो 5 2 10। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, तो 9x - 10y कितना हो जाएगा, 12। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x- क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 10y, और जैसे के तैसे आपका रहेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10y - 12 बटा हो जाएगा आपका 9, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम लोग सरल कर लेते हैं, 6 इसका LCM होगा, तो 3 2 6 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2 3i 6 कितना हो जाएगा, 2 3i 3 मतलब, तो 3y कितना हो जाएगा, 13/6, 6 से 6 खत्म हो गया मेरा, 3x + 3y कितना हो गया, 13, समीकरण हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तब अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 जो है आपको 2 में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट नहीं करना है, बसरते उसका मान रखना है। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में इसका मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को 2 लिखना है, यहाँ पर कितना है, 2x 3y = कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लीज का चिन्ह आप लोग दीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी छुटा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब x का मान मेरा क्या है, यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, x का मान मेरा 10y - 12 हो जाएगा, बटा 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3y = हो जाएगा 13। अब इसको गुना कर लेना है, 10 × 20y और 12 × 24, 9 3 कितना हो जाएगा, 27y और कितना हो जाएगा, बताया है ना, ये वो भिन्न में रहेगा तो बाकी समय गुना हो जाएगा, तो 9 3 27 13 3 39 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 20y और 27y 47y, उसके बाद में 39 अब प्लस हो जाएगा आपका 24, तो 47y, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 3 3 2 5 1 6, गलती हो रहा है क्या, 13 3 39, 13 9 कितना होगा, 13 9 17, हाँ सर, तो यहाँ पर 117 होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 11 और हो जाएगा 2 1 3 3 1 4 1 हो जाएगा, ये 3 मरतबे आपका कर जाएगा, वाई बराबर कितना हुआ, 3 हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, है ना, तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर हुआ 10y - 12/9, तो x बराबर कितना हुआ, 10
वाई का मान हो गया 3 और -12/9, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 t i 30 -12/9, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से 12 घटा 18, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो एक्स का मान मेरा हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो आज हम इतना ही इस वीडियो में, आपका 6 प्रश्नों का जवाब जो 1 का है, ठीक है। निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा, जो भी आपका डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इससे बेहतर आप लोग को बना के देंगे, और फिर उसी मैथ को फिर से री करके बनाएंगे दूसरे वीडियो में। तो हम इतना ही पर अब क्या करते हैं, विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।